हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनंदा शर्मा यूनिक स्टडी सेंटर तो जिवें प्रीवियस वीडियो दे विच आपां टी रेशोज़ दा टेबल बनाउणा सिखिया सीगा, साइन कॉस टैन तिन्नां दी वैल्यू सिखिया सी वी साइन जीरो जीरो हुंदा गा, ठीक है, ते कॉस जीरो अपना वन हो जांदा गा। अज आपां उहनां नूं इंटररिलेट करांगे, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टी रेशो वैल्यूज़, मतलब एक तरह का ट्रिक के ला लो भी आपां ईजीली याद हो जांदियां ने, वैल्यूज याद करनियां सौखियां हो जांदियां ने। जिवें जे तुसीं पिछली वीडियो देखोगे उस एनालाइज करोगे थानू पता लगेगा जिहड़ी साइन जीरो डिग्री की वैल्यू है ना उही कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आ, इक्वल टू या वन हुंदी आ या जीरो, पर साइन जीरो जीरो कॉस 90 जीरो, सो दोनों जिहड़ा अपना ये पेयर आ दोनों की वैल्यू की आ जी जीरो। उस तो बाद अगर आपां साइन 90 की वैल्यू चैक करिए इन टेबल, इट इज़ इक्वल टू कॉस जीरो वन। इतने आप एक चीज़ होर ऐड कर सकते हैं, टैन 45 इज ऑलसो वन, तो टैन जीरो भी अपना की होंगे जीरो। सो देखो ईजी हो गया ना, एक टाइम तो तीन वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, साइन जीरो जीरो, टैन जीरो जीरो, कॉस 90 जीरो, ठीक है जी। साइन 90 वन, कॉस जीरो वन, टैन 45 वन। नैक्सट वैल्यू हैगी जी अपनी साइन 45 कॉस 45 बोथ आर इक्वल टू वन बाय रूट टू। जे बाय चांस क्वेश्चन के आपू रूट टू की वैल्यू पुट करनी पै जाए, इट इज़ ऑलवेज 1.414। ये आप याद रखना, एक अलग तो होर पॉइंट मैं थोड़ा मैनशन कर दिनी हाँ, रूट थ्री इज़ ऑलवेज 1.73, ये भी आप पता होना चाहिए, ठीक है जी। उलझते कितने आ बच्चे, साइन 60 कॉस 30, कॉस 60 साइन 30, ये आप मोस्टली मिक्स कर देने वैल्यूज। साइन 60 कितना होता गा, जिन्ना होता जी उन्ना ही अपना कॉस 30 होता, रूट थ्री बाय टू, देखो आ गया रूट थ्री। रूट थ्री की वैल्यू कितनी है, 1.73। अगर न्यूमेरिकल करने बह जाए फिजिक्स के, तो वैल्यू पुट करनी पै जाए एंगल्स की, तो आप इन सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर 45 एंगल दिता हो, कोई एलिवेशन आ, कोई डिप्रैशन आ, कोई फिजिक्स कमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आ अपार्ट फ्रॉम मैथमैटिक्स, तो उत्थे भी तुसी रूट टू सिंपलीफाई कर सकते हो 1.414। जे आप आंसर इतने छड़ दिए ना सिर्फ इतने बिना सिंपलीफाई किए, तो मोस्टली अपना 0.5 रख लेंगे टीचर्स, तो करके तुसी वैल्यू याद कर लो 1.414 एंड इट इज़ रूट थ्री थोड़ा व्डा हों तो 1.73। नैक्सट अपनी वैल्यू हैगी कॉस 60 साइन 30, ऑलवेज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 आपको पता कि होंगे जी 0.5। एक चीज़ तुम नोट करो, साइन तो कॉस कित भी इनफाइनाइट नहीं होंगे, इनफिनिटी नहीं होंगे, पर जो अपना टैन आ ये थोड़ा डिफरेंट जहा बिहेवियर शो करता। टैन 90 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मैं थोड़ा दसिया सीगा भी इनफिनिटी होंगे की आ, इनफिनिटी समथिंग अपॉन जीरो, इनफिनिटी जीरो अपॉन समथिंग जीरो, इनफिनिटी मतलब नॉट मेजरेबल, तो अपना टैन जी की हो जाता 90 से जाके इनफाइनाइट, जिन्हों असी मेजर नहीं कर सकते, जिन्हों असी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। टैन 45 कितना होता, वन। टैन 90 इनफाइनाइट, वट अबाउट द अदर वैल्यूज, टैन 30 याद रखियो थ्री तो ही याद रहेगा 1/√3, फिर आ गया √3, देखो वैल्यू 1.73, सिंपलीफाई कर लोगे फॉर न्यूमेरिकल्स। जो मैथ्स की गल करते हैं तो इतने तक ही सर जाना, इन वैल्यूज पुट करके आप अपनी कैलकुलेशनस ईजीली कर सकते हो। टैन 60 देखो 30 तो वड्डा ना 60, तो यदा भी फिर जी यदी भी कह दी आप अथॉरिटी वड्डी हो जाती है, तो वड्डा हो जाता ये उपर आ जाता जी, वन नीचे चला जाता। सो टैन 60 कि रूट थ्री, बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, टैन 30 वन बाय चा, तो टैन 60 अपना रूट थ्री। सो सारिया वैल्यूज देखो कवर हो गई, साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 60, साइन 30, पर आप की करता इन्हों इंटर रिलेट करता आपस, साइन 45 कॉस 45 बोथ आर इक्वल टू 1/√2। तुसी दो चार बार इन्हों पढ़ो, बार बार बोल के देखो, तो इन्हों रिलेट करके अपनी नोटबुक दे लिखो,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵਾਇਲ ਡੂਇੰਗ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਇਲ ਡੂਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਲਸੋ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਕਿ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੈਲਿਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 180 360 270 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆ ਜੂਗੀ ਥੈਂਕਸ